हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर उमा शंकर सिंह, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ डेंटन टैबलेट्स और सिरप, यानी जो डेंटन होता है, डेंटन के लिए टैबलेट्स आता है और सिरप भी आता है। दोनों बहुत बेहतरीन रिस्पांस देता है। ये SBL कंपनी बनाती है, बहुत बेहतरीन है। देरी से या मुश्किल से दांत निकलने में ये दिया जाता है, बच्चों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। इसकी मैं पूरी विस्तार से आपको जानकारी दूंगा, लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाया करे। और इसको लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और दूसरे लोगों को भी बेनिफिट्स हो। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। जो इसमें SBL कंपनी का जो डेंटन टैबलेट्स है, ये जो है छोटी छोटी टैबलेट्स आती है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। और इसके साथ साथ सिरप भी आता है, सिरप भी 115 ml की सीसी आती है, बहुत अच्छा रिस्पांस इसका भी आता है। दांतों का जो विकास होता है, यह एक प्राकृतिक है, यानी कहें तो एक नेचुरल होता है, नेचुरल फेनामेना है, यानी कि बच्चों में दांत निकलना ही है। तो छह महीने से लेकर 9 महीने के बीच में बच्चे का दांत निकलना स्टार्ट होता है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। बच्चा बढ़ता रहता है, उसकी प्रक्रिया चलती रहती है, यानी दांत बीच बीच में निकलते रहते हैं। तो अगर बच्चा छोटा है या फिर बीच में भी अगर उसको तकलीफ हो रही है, तो इस सिरप को दिया जा सकता है या फिर टैबलेट को दिया जा सकता है। साथियों, जो बच्चे होते हैं, अगर 6 से 9 महीने तक बच्चे हैं, तो टैबलेट्स को थोड़ा सा पानी में लेकर देना है। तो चलिए, इसके जब दांत होते हैं अगर निकलने शुरू हो जाए तो ये बहुत ही दर्द देता है, उस टाइम बच्चा परेशान हो जाता है। साथियों, जब बच्चों की उम्र 6 से 9 महीने होती है, इस दौरान जो दांत निकलने की प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं डेंटिशन। साथियों, डेंटिशन कहते हैं, अगर दांत निकलने की प्रक्रिया हो रही है, यानी दांत निकलना शुरू हो रहे हैं, तो उस टाइम डेंटिशन बोलते हैं। बहुत से बच्चों में दांत निकलने की प्रक्रिया बहुत असहनीय होती है और कष्टदायक हो सकती है, इससे बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चे के मसूड़े सूज जाते हैं, उसके साथ साथ बच्चे में बेचैनी रहती है, उसके मुंह से लार टपकती है, ये सब सिम्टम उसको देखने को मिलता है। साथियों, जो बच्चे होते हैं, बच्चों में जो पीड़ादायक दांत निकलने की प्रक्रिया होती है, उसके लिए कहें तो ये जो डेंटिशन है, डेंटन है, बहुत बेहतरीन रिस्पांस देता है। साथियों, SBL की डेंटन टैबलेट जो है कैल्शियम और उसमें फास्फेट के समायोजन है, जिससे कि बहुत बेहतरीन रिस्पांस देता है। बच्चा जो होता है, बहुत अगर असहनीय महसूस कर रहा है, असहज महसूस कर रहा है, तो उसको इसको देने से आराम मिल जाता है। साथियों, जो इसके लक्षण होते हैं मेन रूप से, उसमें लक्षण है कि मसूड़ा सूज जाता है, बच्चे का जो मसूड़ा है, जैसे अंदर नीचे का मसूड़ा, जब हम दांत निकलने होते हैं, पहले आगे का दांत निकलता है, उस टाइम मसूड़े रेडनेस हो जाते हैं, यानी कि लाल हो जाता है, जिससे कि लगता है बच्चे का दांत निकल रहा है और बच्चा ज्यादा परेशान हो जाता है। उस टाइम डायरिया भी करता है, यानी उसको डायरिया भी होती है, उल्टी भी करता है, उसके साथ साथ वो ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और ज्यादा रोता रहता है, तो उस समय इसको देंगे। साथियों, वो खाने से भी इनकार करता है, यानी कि वो खाना नहीं चाहता है, जो आज दूध नहीं पीना चाहता है, छोटा बच्चा है तो दूध नहीं पीना चाहता है, थोड़ा बड़ा है तो वो खाना नहीं चाहता है। उसके साथ साथ उसके मुंह से लार टपकती रहती है, छोटा बच्चा है तो उसके मुंह से लार गिरती रहती है, जिससे समझ जाना चाहिए कि इसको तकलीफ है या फिर दिक्कत है। साथियों, उसके पेट में दर्द भी होता है, ऐसा अड़ोर मड़ोर के रोता भी है, जैसे इधर उधर बच्चे एकदम छटपटा जाते हैं एक तरह से, जब पेट में दर्द होता है, कोलिक पेन होता है, तो उस टाइम बच्चे रोने लगते हैं, तो उस कंडीशन के लिए भी मेडिसिन है, जो कि बहुत अच्छा रिस्पांस देती है और डायरिया में भी बहुत बेहतरीन रिस्पांस देती है, जब बच्चे का दांत निकल रहा हो तो। साथियों, इसका प्रतिकूल प्रभाव कहें तो इसका जो साइड इफेक्ट है कुछ भी नहीं है, आप किसी भी बच्चे को दे सकते हैं। तो चलिए अब इसके खुराक की बात कर लें। तो साथियों, जो खुराक है इसका, अगर बच्चा 3 साल से कम है, 3 साल से कम बच्चे को एक गोली देना है, अगर तकलीफ में बच्चा है तो उस टाइम आपको 4 से 5 बार दे देना है, यानी बच्चे को कम से कम 4 से 5 बार देना है, जिससे कि बच्चे की तकलीफ जल्दी से कम हो जाए। बच्चा थोड़ा ठीक हो जाए तो आप उसको एक गोली सुबह में, एक गोली दोपहर में और एक गोली शाम को 1 चम्मच दूध में घोल कर पिला दें। अगर बच्चा खा नहीं सकता है, जैसे छोटा है, तो आप इसको 1 चम्मच दूध में एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर और एक गोली शाम को घोल कर पिला दिया करिए। और उसके साथ अगर बड़ा बच्चा है तो ऐसे ही गोली खा लेगा, तो उसको खिला दीजिए, आसानी से खा लेगा। अगर 3 साल से बड़ा बच्चा हो गया है, 3 साल से बड़े बच्चों में 2 गोली की जरूरत पड़ती है, यानी कि 2 गोली सुबह में, 2 गोली दोपहर में और 2 गोली शाम को, तीनों टाइम देना होता है, जिससे कि बच्चा को आराम मिलता है।
लेकिन अगर बच्चा तो भी नहीं खाता तो आप घोल कर भी आराम से आसानी से पिलाया जा सकता है। साथियों अगर सिरप की बात करें तो जो इसका सिरप है, सिरप साथियों इसका कहें तो बच्चा के वजन के अनुसार चलता है। अगर बच्चा जो है छोटा है, शिशु है, तो उसको आधा चम्मच यानी कहें तो थोड़ा सा देना है। आधा चम्मच का मतलब होता है 2.5 ml, तो 2.5 ml सुबह में, 2.5 ml दोपहर में और 2.5 ml शाम को दीजिए। और उसके साथ साथ इसकी जो बोतल आती है साथियों, तो 25 ग्राम की टैबलेट आती है, बोतल आती है 25 ग्राम की, सिर्फ 115 ml की बोतल आती है जिसको कि आप लाकर बच्चे को दे सकते हैं। चलिए जाते जाते कंपोजिशंस की बात कर लें, तो कंपोजिशंस में कैल्केरिया फास, दूसरी मेडिसिन काली फास, तीसरी मेडिसिन कैमोमिला, चौथी मैग्नीशिया, पांचवी फेरम फास, छठवीं साइलिसिया और सातवीं काली म्यूर। साथियों इतनी मेडिसिन मिली हुई है जो कि बहुत ही बेहतरीन सिरप को बना देती है। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आई होगी, आप अपने बच्चे को जरूर दीजिए, बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।